Only Marine, chain reaction. Chain reaction involves basic three steps. Hello, yeah. Denaturation, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये तो सबको पता है कि वन नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, दो ही होता है. तो कॉमन सेंस के बेसिस पे बिल्कुल जीरो लेवल का एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, आर सेपरेटेड. बाय एप्लीकेशन ऑफ by application of high temperature during this process या during denaturation से ज़्यादा ही छोटा होगा. नेक्स्ट है यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, स्टेप टू हम लोग लिख लेते हैं अनियलिंग. During which enzyme that polymerase initiates. Polymerization of nucleotides. क्योंकि सबको पता है जो डीएनए है उसका बेसिक कंपोनेंट कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड. द स्टेप ड्यूरिंग विच एंजाइम टैग पॉलीमराइज इनिशिएट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन जो स्टार्ट होगा और नया स्टैंड ऑफ डीएनए जो है उसको बना रहा था, ठीक है. अब ठीक है, अनिलिंग का मतलब उस स्टेप को कुछ तो बोलेंगे ना, तो हमने क्या बोला उसको, अनिलिंग बोला हमने, क्या बोला उसको, अनिलिंग बोला, ठीक है. और जैसे ही दो नया स्टैंड बन गया उसके ऊपर रेप्लिकेशन करके, तो हम उस फेज को या उस स्टेप को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे. थर्ड वाला लिख लीजिए, एक्सटेंशन. न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए made using
क्या कर रहे थे हम, पहले से हमारे पास जो अवेलेबल था उस स्ट्रैंड का हम इस्तेमाल कर रहे थे। आर मेड यूजिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। शिवांगी अब ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो गया। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, इतना करने के बाद आपका एक इम्पोर्टेंट वर्क क्या हो जाएगा एग्जाम में, डायग्राम बनाना और इतना लिखना। और एक चीज और है, जब अनिलिंग स्टेप टू लिखेंगे तो अपना कॉमन सेंस लगाइए, जब स्टेप टू आप लिखिएगा तो ये भी तो नोट कीजिएगा उसमें कहाँ गया ये, जिसमें टैग पॉलीमरेज लिखा था मैंने। हाँ, तो उसके नीचे ये भी तो आएगा ना, थर्मस एक्वाटिकस से हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं, ये भी लिखना पड़ेगा आपको उसमें। तो ऑटोमेटिकली जो है वो 5 मार्क्स का बन जाएगा आपका, समझ गए। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है।